का नाम पड़ गया श्री परीक्षित महाराज पड़ा। बोले श्री परीक्षित महाराज की। कहते हैं भागवत कथा का वक्ता श्रोता दोनों ही महान पुरुष हैं। इतने में कृष्ण जब जब द्वारका जाने की इच्छा करते हैं, पांडव लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते। एक दिन कृष्ण बोले मेरे को अंतिम विदाई दो, मैं जाना चाहता हूँ। हैं तो उन्होंने कृष्ण को उन्होंने अंतिम विदाई उन्होंने दिया। जब अंतिम विदाई दिया लेकिन 7 महीना हो गया अर्जुन वापस नहीं आ रहा है। एक दिन श्री युधिष्ठिर महाराज बड़े अपशकुन देख रहे थे। उन्होंने क्या अपशकुन देखा? हाँ अभी ध्यान देकर सुना। एक दिन उन्होंने देखा 2 किसान लड़ते लड़ते आए। बोले लड़ने का कारण क्या था? बोले एक किसान दूसरे किसान को जमीन बेचा था। दूसरा किसान जब खेती कर रहा था वो खेती को अंदर से एक सोने की कलसी निकला। जिसको बेचा था उसने वो कलसी लेकर के जो बेचा था उसको देने के लिए आए। बोले देख तुमने मेरे को जमीन बेचा लेकिन ये सोने की कलसी नहीं बेचा, ले ये तेरा तू ले ले। उसने कहा भैया मैं क्यों लूं? मैंने जो बेच दिया कोई चीज उसमें तो तेरा, इसमें मेरा कोई अधिकार है, तू ले ले। अभी वो सोने की कलसी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं। अभी श्री युधिष्ठिर महाराज के पास में आए। युधिष्ठिर महाराज बोले देखो मैं आज व्यस्त हूं, कल आ जाना, मैं कल विचार करके बताऊंगा। फिर दूसरे दिन दोनों किसान लड़ते लड़ते आए। बोले लड़ने का कारण क्या था? जिसने ये खेती बेचा था वो कह रहा है ये मेरा, जिसको खेती बेचा था वो कह रहा है मेरा। एक दिन पहले कोई लेना नहीं चाह रहे और दूसरे दिन दोनों ही लड़ रहे उसको लेने के लिए। युधिष्ठिर महाराज समझ गए ये कलिजुग आ गया, ये कलिजुग आ गया। क्यों? एक दिन पहले कृष्ण थे और एक दिन पहले कृष्ण चले गए। जब भगवान कृष्ण चले गए द्वापर युग समाप्त हो गया, वो आ गया कौन सा युग? कलिजुग। पहले ही ये कलिजुग का लक्षण दिखाई पड़ा। क्या होगा? भाई भाई में, परिवार परिवार में, सबके सब ये जमीन जायदाद को लेकर सबके सब आपस आपस में ये लड़ाई करेंगे। क्योंकि युग का नाम कली है। कली मतलब जहाँ परिवार परिवार में कली, भाई भाई में झगड़ा, बहू बहू में झगड़ा, पड़ोस में झगड़ा, देश देश में झगड़ा, मन मन में झगड़ा, कलह कलह जहाँ पर। इतने में अर्जुन को वापस आते हुए देखा, उसका पूरा चेहरा लगा हुआ था, शरीर में कोई तेज नहीं। बोले भैया क्या हो गया? बोले भगवान कृष्ण संसार छोड़ करके चले गए, वो हरी ये दुनिया छोड़ करके चले गए। हैं दुनिया छोड़ करके चले गए, इसलिए मैं तो महिषियों को लेकर के आ रहा था, बीच में कहां से सबके सब ग्वालिया आए डंडा दिखा के मेरे से महिषियों को छीन करके ले गए। उन्होंने कृष्ण के एक एक गुण को स्मरण करते करते रो रहे थे। बोले भैया आपको पता है आप जिस समय जुआ खेल रहे थे और ये शकुनी कपट जुआ में सब कुछ हार गया, आपने लास्ट में द्रौपदी को भी द्वापर लगा दी, उन्होंने द्रौपदी को भी जीत लिए। इतने में दुर्योधन ने कहा दुशासन ये द्रौपदी अभी राजरानी नहीं, हमारी गर्व की दासी, जाओ उसको पकड़ करके भरी सभा में ले आओ। दुशासन गया और केश को पकड़ करके घिसट हुए भरी सभा में ले आया। बोले दुशासन द्रौपदी को विवस्त्र करके मेरे जंगे तो पर बैठा दो। जिस समय द्रौपदी ने हाँ, इतने में दुशासन द्रौपदी को वस्त्र हरण करना चाह रहा था, इतने में द्रौपदी दोनों भुजाओं को उठाते हुए हे गोविंद राख शरण अब तज बनहरी। जब भगवान को दोनों भुजाओं को उठाते हुए पुकारा, कृष्ण स्वयं वस्त्र बन के प्रकट हो गए। 10,000 हाथियों का ताकत खत्म हो गया लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई। दुनिया देख रहे थे ये साड़ी की कोई नारी ना, नारी बीच में कोई साड़ी। बोले भैया आपको याद है भगवान कैसे हमें रक्षा की? बोले याद है। बोले और एक समय
जब हमारी वनवास हो गया, ये दुर्योधन सोच रहा था पांडवों को जान से मार दूं, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। एक दिन दुर्वासा जी दुर्योधन को घर में आए। दुर्योधन तो दुष्ट है, दुर्वासा जी कौन है? जो स्वयं शंकर जी का बता, उन्होंने खूब चकाचक उनको भोजन करवाया। दुर्वासा खुश हो गए, बोले बता बेटा बर मांगो। लेकिन दुर्योधन को पता था ये सूर्य देव ने ये द्रौपदी को एक पात्र दिए हुए है, बोले जब तक तू नहीं खाओगी ना सारा दुनिया को तू खिला सकती हो, लेकिन तू जब भोजन कर लोगी फिर किसको खाना नहीं खिला सकती। अभी दुर्योधन गुप्तचरों से खबर ले रहा था द्रौपदी कब खा पी करके ये पात्र को धो धा कर रख ले, फिर ये दुर्वासा जी को फिर मैं भेजूंगा। इतने में जब द्रौपदी ने पहले ऋषि मुनियों को खिलाती है, उसको बाद में फिर पतियों को खिलाती है और बाद में खुद खाती है। उसने जब पात्र को धो धा करके रख लिया, इतने में दुर्योधन को जब श्री दुर्वासा जी बोले बताओ तेरे को क्या चाहिए, बोले आप जैसे हमारे ऊपर में कृपा की, हमारे भाई लोग पास में ताम्य वन में रह रहे हैं, आप उनको पास में भी जाओ, उनको ऊपर में भी कृपा करो। इतने में दुर्वासा जी के 10,000 शिष्य थे और दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर के सीधा पांडवों के पास में आए। युधिष्ठिर महाराज तो घबरा गए, बोले भीमसेन जल्दी जल्दी द्रौपदी को पास में जाओ, पूछो क्या खाना उसने खा चुकी। द्रौपदी बोली मैं तो पहले ऋषि मुनियों को खिला करके फिर आपको खिलाता हूँ, बाद में खा करके मैं तो अपना पात्र को धो धा करके मैंने पलट करके रख दिया। बोले द्रौपदी सर्वनाश हो गया। आज दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर के आए, यहाँ तो राज को सहे नहीं और बना करके खिला दे, अभी बताओ अभी क्या होगा। दुर्वासा जी को बोले जाओ आप स्नान करके आओ, हम खाने पीने का व्यवस्था कर रहे हैं। अभी पांडव और द्रौपदी बैठ गए, बोले बताओ अभी क्या करें। पांडव ने कहा द्रौपदी यद्यपि कृष्ण हम सबको प्रेम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रेम है ना वो तेरे को करते हैं। अभी विपत्ति का समय में तू भगवान को पुकार। इतने में द्रौपदी एकदम चुपचाप बैठ गई, आंखों से आंसुओं को बहाते हुए भगवान को ने पुकारा, हे प्रभु मैं मेरे लिए कोई चिंता नहीं करती हूँ, कि जो पांडव हैं ये तेरे भक्त हैं, अभी इनको बड़ विपत्ति पड़ी प्रभु तुम रक्षा करो। कृष्ण कहाँ पर थे? बोले द्वारका में। द्रौपदी कहाँ बुला रही है? वृंदावन में, काम्य वन में। इतने में द्वारका में माँ रुक्मिणी छापान भोग और छत्रिस व्यंजन लेकर के प्रभु को सामने रखा, ठाकुर जी भोजन करने जा रहे थे। इतने में द्रौपदी का आवाज प्रभु की कान में टकराया, आया हुआ जो थाला को भगवान मान सरकार दी। रुक्मिणी बोली प्रभु भोजन करो। बोले रुक्मिणी मेरे पांडव को ऊपर में बड़ी विपत्ति पड़ी है, आज तो मैं भोजन अपना सखी श्री द्रौपदी को घर में मैं करूंगा। रुक्मिणी बोली प्रभु घर का खाना छोड़ करके जाओ ना, दुनिया में कहीं भी तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए पहले खाना खाओ फिर जाओ। बोले मेरे पास में समय नहीं। कृष्ण वायु से भी तेज से कहां द्वारा और कहां श्री वृंदावन, एकदम कृष्ण झट प्रकट हो गए। इतने में कृष्ण बोले द्रौपदी 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 चौंक उठी। बोले तो कृष्ण की गला का आवाज, कृष्ण तो द्वारका में, द्रौपदी तो आंख बंद करके बैठी हुई थी, आंख खोल कर देखती है भगवान कृष्ण सामने। एक भजन गाते ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं। भगवान सब कुछ करते हैं,
लेकिन हम ऐसे भक्त बने तभी तो ठाकुर करेंगे, ठाकुर जी सब कुछ करेंगे, लेकिन जब हम ऐसे भगवान को पुकारेंगे, हृदय से पुकारेंगे। देखो ध्यान देकर सुना, अब भी कुछ बात सुना रहा हूँ। एक दिन द्रौपदी भगवान कृष्ण से प्रश्न करती है, बोले प्रभु जिस समय दुशासन मेरा वस्त्र हरण कर रहा था, मैंने आपको बड़े देर से पुकार रही थी, लेकिन आप आने में इतने देर क्यों लगाए? भगवान ने कहा द्रौपदी तुम जो हृदय से है ना, तू केवल एक बार मेरे को पुकारी। बोले प्रभु कैसे बता रहे हो? मैंने कब से पुकार रही थी? जब से दुशासन मेरी केस पकड़ के घिसटते हुए ला रहा था। बोले द्रौपदी मैं आधा रास्ता तक तेरे को बचाने के लिए आया था, लेकिन वहां से वापस गया। बोले क्यों क्यों वापस गए? देखो ध्यान देकर सुनो, भगवान को कैसे पुकारनी चाहिए और हम कैसे पुकारते हैं। बोले आधा रास्ता से क्यों वापस गए? बोले मैं आधा रास्ता में आकर के देखा, तुम ये सोच रही थी यहाँ पर मेरे पांच पांच पति है, भीमसेन सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ गांडीधारी, नकुल साहब सर्वश्रेष्ठ तलवारधारी, ये सोच रहे थे। हाँ कृष्ण अगर आए तो आए, कोई बात नहीं, और मेरे को रक्षा करने वाले इतने सारे लोग। बोले द्रौपदी जब तुमको इतने सारे लोग रक्षा करने वाले हैं, पर मैं बीच में क्यों आता? इसलिए आधा रास्ता से मैंने वापस गया। बोले द्रौपदी मैं और भी थोड़ा नजदीक आया था, तब भी मैंने वापस गया। बोले क्यों? बोले तूने जब देखा ये पांडव लोग मेरे पति लोग को कुछ नहीं बोलते हैं, फिर तू सोच रही थी यहाँ पर मेरे स्वर्ग बैठे हुए हैं श्री द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, श्री धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह बैठे हुए, मैं कुलवधू। ए बच्चों, ए क्यों क्यों गुब्बार उतार रहे हो? जो बच्चे गुब्बार उतारेगा घर लगा देगा, अभी उत्सव होगा ना, कल राधा रानी जन्म लेगी, परसों उत्सव, कोई गुब्बारा हाथ नहीं लगाना। जो गुब्बारा उतारेगा उसको ला करके दस एक गुब्बारा तोड़ोगे, दस गुब्बारा तुमको लगाना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए कोई बात उतारना नहीं। वैसे वृंदावन हरि लाल की जय, जय श्री राम। और थोड़ा नजदीक आ करके मैंने वापस गया। बोले पर क्यों? बोले तुम ये सोच रहा था तेरे यहाँ पर गुरु वर्ग लोग हैं, ये तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। बोले द्रौपदी जब तुमको इतने सारे लोग रक्षा करने वाले, मैं बीच में क्या था? बोले द्रौपदी एकदम पास में आकर के मैं वापस गया। बोले क्यों गए प्रभु? बोले तुमने जब देखा ये कोई भी कुछ बोल नहीं रहे, तो फिर अपना कपड़े को जोर करके पकड़ कर रखी थी। बोले साधारण घर की थोड़ी हूँ मैं, अपने आप को मैं बचा सकती हूँ। बोले द्रौपदी जब तुमको खुद को खुद बचा सकती हो, फिर मैं बीच में क्यों आता? द्रौपदी लेकिन जब तुमने देखा कोई भी हमें रक्षा करने वाले पति लोग भी नहीं, हम गुरु वर्ग नहीं, स्वयं को स्वयं में रख नहीं कर पाऊंगी। उसी समय तुमने दोनों हाथ उठाते हुए हे गोविंद राख शरण आप जीवन हरी, दोनों हाथ उठाना मतलब क्या है? ठाकुर जी तेरे सिवा सिवाय जगत में हमें रक्षा करने वाले कोई है नहीं, इसलिए हम दो हाथ उठाते, मतलब हे ऊपर वाले तुम ही हमें रक्षा कर सकते हो। एक बार हाथ उठाओ सबके सब, बसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ इसलिए भगवान को एक मन से पुकार, दो मन से ही, लेकिन हम भी ऐसे करते हैं। भगवान को तो पुकारते ठाकुर जी रक्षा करना, लेकिन मन मन में क्या सोचते हैं? अरे ठाकुर आए नहीं आए कोई बात नहीं, हमारा बीवी बच्चे बेटा बेटी दुकान मकान ये रक्षा करेगा। हम ठाकुर जी को एक मन से हृदय से सच दिल से ठाकुर जी को हम नहीं पुकारते हैं, इसलिए ठाकुर जी आने में देर करें।
इसलिए बोले कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम द्रौपदी जैसे तो, द्रौपदी जैसे तो बुलाते नहीं। अगर द्रौपदी जैसे बुलाएंगे ना तो ठाकुर जी आने में कोई देर नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर पांडव लोग भगवान की एक एक गुणों का स्मरण करते करते रो रहे हैं। मैया कुंती देखा जब कृष्ण ही चले गए, फिर ये जगत में रहकर क्या लाभ है, कुंती ही शरीर त्याग दी। पांडवों ने देखा जब कृष्ण ही चले गए, फिर रह करके क्या लाभ, पांडव भी जगत को छोड़ दिए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने श्री परीक्षित महाराज को राज सिंहासन में बैठा करके गए। एक दिन श्री युधिष्ठिर परीक्षित महाराज देख रहे थे कुछ अनहोनी सा हो रही है, मेरे देश में कुछ अमंगल सा है। इतने में परीक्षित महाराज देखने के लिए गए, उन्हें प्राची नदी के किनारे में गए तो एक बड़े दुर्घटना देखा। एक गैया बड़ी दुखी होकर रो रही है और एक बैल का तीन पैर नहीं, वो एक पैर में खड़ा हुआ, और एक राक्षस वो एक पैर को भी तोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। इतने में परीक्षित महाराज मैदान से तलवार को निकाली और झपट पड़े मारने के लिए। वो कौन था, बोले ये साक्षात कलयुग था। बोले ये गैया कौन है, बोले ये पृथ्वी है। बोले गैया क्यों रो रही थी, कारण क्या, बोले भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, अभी कलयुग आएगा तो लोग बड़े पाप कर्म करेंगे। वो सोच रहे हैं ये पाप कर्म को मैं कैसे सहन करूं। बोले ये बेल कौन है, बोले ये धर्म है। बोले इनकी तीन पैर गया कहां, बोले सत्य त्रेता और द्वापर, ये तीन युग चली गई। धर्म का तीन चरण समाप्त और एक प्यार में खड़े, मतलब धर्म वो केवल एक प्यार में धर्म खड़ा हुआ है, हैं? केवल ये कलयुग में थोड़ी सी दान केवल एक प्यार में, और ये कलयुग सोच रहा था पूरा ये धर्म कर्म को मैं नष्ट कर दूंगा। मेरे देश में कोई धर्म कर्म नहीं रहनी चाहिए। परीक्षित महाराज ने कहा नहीं, जब तक ये दुनिया में मैं रहूंगा तब तक ये कली का प्रवेश नहीं। इतने में कली प्यार में गिर गया। बोले सत्य त्रेता द्वापर को जब आपने स्थान दिया, मुझे भी स्थान देना पड़ेगा। परीक्षित महाराज सोचे ये कलयुग में दोष क्या और गुण क्या है। बोले कलयुग में तो दोष ही है, कलयुग में दोष ही दोष है, लेकिन कलयुग में एक गुण है, सबसे बढ़िया गुण है। वो गुण क्या है, बोले कलयुग के बलना आधारा, कलयुग के बलना आधारा, कलयुग के बलना कीर्तन कर दो थोड़ी सी, इसी से ही सब पाप नष्ट हो जाएगी। कलयुग में और कोई धर्म कर्म करने का जरूरत नहीं, कलयुग में केवल ठाकुर का नाम जप करो, हाथों में जो कुछ कर ठाकुर को सेवा मान करके, हाथों में काम और मुंह में क्या करो, ठाकुर जी की नाम, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम। देखो कितना सरल उपाय है, सबसे सरल उपाय है। लेकिन श्री एकादश स्कंध में बताए सत्य त्रेता
और द्वापर। सत्ययुग में धर्माचार्य जन्म रहता, इसलिए उसका एक नाम है कृत युग। कृत मतलब सत्ययुग में सबका जीवन कृत कृत है, सबके सब वैकुंठ जाते थे क्योंकि सबके सब भगवान की भक्ति करते थे। त्रेता युग आया, त्रेता युग का महिमा कम नहीं क्योंकि भगवान राम आए। हम कहते हैं ना राम राज्य, राम राज्य में आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक कोई भी दुख कष्ट नहीं था। सबके सब पशु पक्षी और इनकी वो कोई प्रॉब्लम होना, जब भगवान राम की दरबार लगता था ये पशु पक्षी भी आकर के प्रभु के पास में प्रार्थना करते थे क्योंकि भगवान राम सबकी भाषा समझते थे। इसलिए त्रेता युग में कोई दुखी नहीं थे, सबके सब कहते राम राज्य है, राम राज्य है, कोई दुखी नहीं। द्वापर युग आ गया जिसमें स्वयं पूर्ण ब्रह्म कृष्ण स्वयं आए, जो पूर्ण पुरुषोत्तम जो सोलह कला में परिपूर्ण भगवान कृष्ण आए। इसलिए द्वापर युग में ही कम नहीं धर्माचार्य चरण में सब किए, द्वापर युग में निवास करता था। लेकिन कलयुग सबसे गद्दा युग है, कलयुग सबका गद्दा युग होता है। क्यों? कली में पाप ही पाप है, जहां देखो पाप झूठ बेईमानी है, जितने तरह पाप कर्म करते हैं। लेकिन ये कलयुग में एक विशेष गुण है, ये कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए और श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के कलयुग में ये हरि कीर्तन प्रचार किया है। इसलिए स्वर्ग के देवता सत्ययुग के लोग, त्रेता युग के लोग और द्वापर युग का लोग भी ये कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। वो जन्म लेना चाहते, बोले क्यों? बोले कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने कलयुग में बोले हरि कीर्तन करो, दूसरे दूसरे युग में बड़ी कठोर तपस्या करने पर कहीं मुक्ति मिलती थी, लेकिन कलयुग में थोड़ी सी हरि कीर्तन करने पर, अगर ढोल की हो मजीरा हो अच्छी बात है, अगर ये भी नहीं हो, भगवान ने हाथ दिया है थोड़ी ताली बजाते हुए ठाकुर का अपना कीर्तन कर लो, इसी से ही बेड़ा पार हो जाएगी, इससे ही बेड़ा पार हो जाएगी। सबके साथ एक बार हाथ उठाओ, सबके साथ बोलो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 देखो आप कितने भक्त हैं, करीब 300 लोग 400 भक्त लोग होंगे। जब इतने लोगों के मुंह से प्रभु का नाम कीर्तन मिलेगा ना, एक एक व्यक्ति 400 नाम करने का फल मिलेगा। क्यों? सभी का आवाज सभी के कान में जा रही है ना, और ये भगवान के नाम जितने दूर तक तो जाएगा, किसी तरह का दुर्भिक्ष दुख कष्ट कुछ भी नहीं रहेगा। जितने दूर तक तो ये नाम जाएगा है, ये भगवान के नाम में इतने शक्ति है। जोर जोर से बोलना, ठीक है, गला फाड़ फाड़ करके, जैसे झगड़ा करते हैं ना, अगर यहाँ झगड़ा करते उस मां को पता चलता भैया इनके घर में झगड़ा हो रही है, लेकिन आप बोलते हो ना, मेरे तो सुनाई नहीं पड़ा। जोर से, ठीक है, बोला हरे कृष्ण 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 हरे आप बोलोगे मैं सुनूंगा, इस बार मैं नहीं बोलूंगा, इस बार आप बोलो और मैं सुनूंगा, देखूंगा कितने जोर से बोलते, बोलो हाँ बोले श्री वृंदावन बिहारी जय जय। इसलिए भगवान की थोड़ी सी कीर्तन से ही जीव को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन एक ध्यान देकर सुनो, अभी 2 मिनट अच्छे तरह से सुनो, ध्यान देकर सुनो। उदाहरण दिया, जैसे हमें कोई बीमारी है और कोई अच्छे किसी डॉक्टर के पास में गए, सचमुच से वो डॉक्टर हमारी बीमारी को सही करना चाह रहा है,
अगर सही करना चाह रहे तो क्या बोलेगा, बोलेगा देख भैया तुमको बढ़िया दवा दे रहा हूं, लेकिन ये दवा को अगर परहेज को साथ में दबा लोगे ना, जल्दी से जल्दी तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी। अगर बगैर परहेज को अगर दवा लोगे, दवा तो खाओगे लेकिन वो दवा कोई काम नहीं करेगा, वो दवा कोई काम नहीं करेगा। इसलिए कलयुग में दवा क्या है, बोले सबसे मीठा दवा है भगवान की नाम, यही बढ़िया दवा है, ये दवा कलयुग में। लेकिन इसकी परहेज भी करना पड़ेगा, बोले इसका परहेज क्या है, बोले इसकी चार परहेज है, बोले चार नियमों को पालन कर लो और थोड़ी सी कीर्तन करो मुक्ति बड़ा तुम्हारी पार हो जाएगी। अभी ध्यान लगा कर सुनो, वो चार चीज क्या है जिसमें कली का निवास है, केवल चार नियम को पालन करो। पहला नंबर है दूतम, दूतम का मतलब होता है जुआ खेलना, कभी जिंदगी में कभी जुआ मत खेला करो। धर्म का पहला चरण है सत्य, इसलिए जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं आप देखना ऊपर भी सच नहीं बोल सकते हैं, वो झूठ को ऊपर में झूठ 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 बोलना पड़ता है। इसलिए स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर सिखा दिया, देखो मैं स्वयं धर्म स्वरूप हूं और ये जुआ खेला तो मेरे कितने सर्वनाश हो गया, पहले भाइयों को खोया, देश गया, भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरना देखना पड़ा और 12 साल तक वनवास और 1 साल अज्ञातवास में विराट राज्य में मैं साक्षात धर्म स्वरूप हूं, स्वयं धर्मराज, लेकिन वहां कंक का काम करना पड़ा। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी बृहन्नला का काम कर रहा था, नृत्य शिक्षा दे रहा था, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम क्या कर रहा था, रसोई बना रहा था, और नकुल सहदेव घोड़ाशाला में काम कर रहे। मतलब है अगर तुम जुआ खेलोगे तो इतने नीचे तक आ जाओगे, दुनिया घर द्वार तुम्हारे बिक जाएगी। हाँ, और ये चीज सुनो, कोई भी जुआ खेल करके अभी तक कोई बड़े आदमी नहीं बने, जिसे जुआ खेला है ना सबके सब उसका लूट गया, ठीक है ना। इसलिए कभी भी जुआ में हाथ नहीं लगाना, ये धर्म का पहला चरण है क्या, सत्य। दूसरा है पानम, पानम का मतलब होता है किसी तरह का नशीली वस्तु मत लिया करो, जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग गुटखा शराब ये सब चीज हमें नहीं लेनी चाहिए। नशा लो तो एक चीज की नशा हो, प्रभु की प्रेम की नशा, भगवान की भक्ति की नशा हो, एक नशा हो और कोई नशा नहीं होनी चाहिए। धर्म का जो दूसरा चरण है वो क्या है, बोले तपस्या, इसमें तपस्या नष्ट हो जाती है। अब ये गुटका ऐसे की चीज आ गई ना, जिसने ये गुटका की फैक्ट्री बनाई पहले वो खुद कैंसर बीमारी में मरा, खुद तो कैंसर बीमारी में मरा और सारा दुनिया को उसने मरवा कर भी गया। आप लोग बताओ गुटका का पहला अक्षर क्या है, बताओ गुटका का पहला अक्षर क्या है, जोर से बोला, गु मतलब क्या होता है, गु मतलब क्या होता है, बिष्टा होता है। इसलिए गुटका नहीं ये गु खा रहे हैं हम, इसलिए गुटका नहीं खानी चाहिए हैं। आप अगर सुनोगे ना ये गुटका कैसे बनता है, एक फैक्ट्री वाला मेरे को बता रहा था, ये लकड़ी को कैसे गला करके जब सड़ जाती है और उसमें तरह तरह चीज को देख रही गुटका बनाती है, इसलिए गुटका चीज भी अच्छी चीज नहीं, इसलिए कोई नस्ली वस्तु को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। हाँ देखो मैं पहले बताया था शराब भी नहीं लेनी चाहिए, शराब भी गंदी चीज है। पहले मैंने बताया था ना शराब जो पीते हैं उनका 3 लाभ है, कितना लाभ है, कितना लाभ, जोर से बोलो, हाँ कहते शराब पीने वाला का पहला लाभ क्या है, बोले वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। उसका दूसरा लाभ क्या है, कहते उसको घर में चोरी नहीं होगी। उसका तीसरा लाभ क्या है, कुत्ते उसकी दोस्त बनेंगे, कुत्ते उसकी दोस्त बनेंगे। बोले भैया इसका मतलब क्या, पहला लाभ क्या, वो बूढ़ा नहीं होगा। बोले बूढ़ा कब होगा, जिंदा रहे तब तो बूढ़ा होगा, वो पी पा करके तो आधा उम्र में वो खत्म हो जाएगी, आधा उम्र में
मैं जाता हूँ विदेश में प्रचार करने के लिए, विशेषकर रशिया। मैं रशिया में देखता हूँ वहाँ लड़कियां लड़कियां हैं, सब लड़की लड़की, किसी वृद्ध व्यक्ति को नहीं देखा। मैंने पूछा भैया यहाँ पर सब बुढ़े आदमी गए कहाँ और यहाँ इतने लड़कियां क्यों? बोले बाबा यहाँ पर लोग आधा शराब पीते हैं और शराब पी पी करके आधा उम्र में आंत फांत गल कर खत्म हो जाता है, मर जाते, जिंदा नहीं रहते। इसलिए यहाँ पर ज्यादा नपुंसक है, ज्यादा पुरुषत्व तो नष्ट है। क्यों? वो शराब पी 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 करके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए देखो आप लोग भी हैं, पहले घर में अतिथि आते थे, लेकिन अभी हमारे घर में अतिथि नहीं, शराबी आते हैं, जुआरी आते हैं और इनको ही अपना दोस्त मानते हैं। हाँ, इसलिए आप लोग इससे सावधान रहना। अगर स्वयं अगर कोई पिता, अगर स्वयं पिता है पर बच्चों को कोई संस्कार नहीं दे सकता है, बेटा उससे ज्यादा गड़बड़ी निकलेगा। इसलिए कोई भी ऐसे काम मत करो जो कि बच्चों के ऊपर में कोई बुरा असर पड़े, इसको ध्यान रखो। ऐसे कोई हम बच्चों के ऊपर में गलत संस्कार नहीं डालेंगे जैसे बच्चे का जीवन बिगड़ जाए, ठीक है ना। दूसरा लाभ क्या, घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगी, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगा, वो तो सब कुछ बेच बाच करके, अगर पत्नी की गहना पहना होगा बेच बाच कर पीवा कर खत्म कर देगा, पर इसको घर में चोरी कहां से होगी। तीसरा लाभ क्या है, कुत्ते दोस्त बन गए। मतलब क्या, कुत्ते मुंह में आकर के पेशाब करके ले जाएंगे, हमारे बिल्लो मंगल प्रभु जी उसका लाभ को फटो दिखा, मैं ला नहीं पाया, कल आपको फटो दिखाऊंगा। एक व्यक्ति कैसे शराब पी करके लेटा हुआ है, अब कुत्ता आकर के उसको मुंह को कैसे चाट रहा है। इसलिए ये फटो आपके पास में है ना प्रभु जी, मैं वीडियो किया हूँ, आप देखोगे ना देख आश्चर्य हो जाओगे, वो कैसे बेहोश होकर पड़ा हुआ और कुत्ता आकर के उसको मुंह किस रूप में चाट रहा है। अभी होगा तो प्रभु जी निकाल रहे आपको दिखाएंगे। इसलिए ये गंदी चीजों से दूर रहना, ठीक है ना। हाँ, और एक चीज सुन जाओ, चाय भी नहीं पीनी चाहिए। हाँ, हमको चाय भी इधर ले आओ, इधर ले आओ, हमको चाय भी नहीं पीनी चाहिए। आप बोलो भैया चाय में क्या दोष है, आप लोग को दिख नहीं रहा ना, एक व्यक्ति शराब पीकर पड़ा हुआ है और कुत्ता आकर उसका मुंह को कैसे बुरी तरह से चाट रहा है, उसको दांत को चाट रहा है, उसको मुंह को चाट रहा है और कैसे वो बेचारा कैसे बेहोश होकर के कैसे पड़ा हुआ, बाद में देख देख देना है, उसका होश नहीं और कुत्ता चाट, अब देख करके डर जाओगे, देख करके ऐसे चाट रहा है उसको मुंह को है। इसलिए ये सब चीज गंदी चीज हमें नहीं लेनी चाहिए। अब ध्यान देकर सुनो, चाय भी नहीं पीनी चाहिए, चाय भी नहीं पीनी चाहिए। देखो जितना, देखो मैं जितना दूर हो सकता हूँ समझाता हूँ। आप लोग भैया चाय में क्या दोष है, बोले चाय की पत्ते में कोई दोष नहीं, लेकिन भैया दोष किसमें है, बोले इसमें एक निकोटीन, एक कफिन डालते हैं। जैसे शराब जो पीते हैं देखना, और शराब पीने का समय आ जाए अगर नहीं पिएना, उसका शरीर में घबराहट हाथ होती है, जब तक वो नहीं पिएगा तब तक वो स्थिर नहीं रह सकता है। जो लोग चाय पीते हो देखना, चाय पीने का समय आ जाए अगर आप लोग चाय मत पियो, देखना क्या होता है, सर दुखना शुरू हो जाएगा, सर दर्द करता है। बोले क्यों सर दर्द करता है, क्योंकि उसमें एक जहर डाला हुआ है, उसमें एक निकोटीन डाला हुआ है। हाँ देखो, ये अंग्रेज लोगों ने कैसे हमारा देश को गुलाम बनाया, अब अच्छे तरह से ध्यान देकर सुनो। पहले भारत में कोई चाय नहीं पीते थे, ये चाय आया विदेश से। पहले पहले जो बड़े बूढ़े आपको पता होगा, पहले चाय पीते को बिना पैसा में उसको दुकान में देते थे, फ्री में देते थे। पहले तो वो बोलते थे जो एक कप चाय पिएगा उसको एक रुपया मिलेगा। हमने सोचा एक कप चाय पर एक रुपया, अपना बिजनेस को बनाने के लिए क्या किया, हमने एक रुपया देकर एक कप चाय लिया। कुछ दिन बाद में बोले नहीं तुमको 75 पैसा मिलेगा, एक कप चाय 75 पैसा फिर पिए। कुछ दिन बाद में बोले देखो 50 पैसा मिलेगा, पैसा मिला फिर पिए। कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा मिलेगा, फिर 25 पैसा मिला फिर पिए। उसके बाद में बोले कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, तुम पीना पड़ेगा। आदत बन गई ना, तभी पिए। बोले नहीं अभी तुमको 25 पैसा देना पड़ेगा, क्यों
उसको पी कर उसमें निकोटिन चाहिए वो आदत बन गई है, उसको बाद में देखो तुमको 50 पैसा देना पड़ेगा। ये बोले तुमको 1000 पड़ेगा, पिए अभी कितना पैसा दे रहे हो 10 रुपया, इतनी सी 10 रुपया दे करके उनका बिजनेस हमने चालू कर दिया, विदेशियों का हमने बिजनेस चालू करवा दिया। और 10 रुपया से कोई पेट भर जाए, 10 रुपया का दूध पियो ना, 10 रुपया का दही खाओ ना, 10 रुपया के तुम फल खाओ ना, जिसमें हेल्थ होगी। लेकिन हम क्या बोलते हैं, अरे सवेरे एक कप चाय पी लो, दोपहर तक चाय नहीं, एक कप चाय से पेट भरती है, से उसमें जहर है, हमने चाय नहीं पी, हमने जहर पी करके हमारी पेट में जो भूख थी ना वो भूख हम खत्म कर दिया, हमने भूख लगाई। और दूध आज दूध कितने दही इसको खाओ ना, रोटी खाओ सब्जी खाओ, भूख लगाई, ऐसे नहीं जहर पी करके अपना भूख को खत्म करो, ये कोई बुद्धिमानी का काम है, ठीक है। देखो रामदेव बाबा का एक हर्बल टी आती है, गोबर टी आती है, अब ये चीज को पियो जो शरीर हेल्थ के लिए अच्छी चीज है, जिसको हेल्थ हमारी बढ़िया रहे। कोशिश करना अगर धीरे 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 जो बहुत पीते हो धीरे 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 से कम हो, ठीक है ना, धीरे धीरे कम करके तो अच्छे चीज खाओ, अच्छे चीज पियो, जिससे हमारी हेल्थ के लिए बाबा तो सीधा ना करता है, चीज को सीधा मना करता है, जाए उसको मत पिया करो हेल्थ के लिए अच्छी। देखो हम लोग हिंदू है, हम लोग हिंदू है, हमारी शास्त्र की आयुर्वेदिक क्या कहता है, सवेरे उठ करके चाय पियो ना, सवेरे उठ कर पानी पियो, वाह, सवेरे उठ करके पेट भर करके पानी पीने से शरीर अच्छा रहेगा ना चाय पीने से, कौन बताओ लोग। अब रामदेव बाबा का देखो उनको योगा देखे हो, हर आयुर्वेदिक ये कहता है सवेरे उठ करके मुंह ब्रश करने से पहले पानी पियो, मुंह में ऐसे एक तरह का दबा होती है, इतने तरह का मेडिसिन अगर टूट कर सवेरे पेट भर कर पानी पियोगे ना उसमें पेट भी साफ होएगा, उसमें हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, और चाय पियोगे तो तुम्हारी भूख खत्म करेगी। इसलिए हमारे शास्त्र चाय पीने के लिए नहीं कहता है, पानी पियो पेट भर कर, है ना, पानी के लिए कहता है। इसलिए अब लोग अच्छे चीज को ग्रहण करना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कली जो तीसरा स्थान है कहते स्त्रियों, कहते स्त्रियों को ऊपर में कली का निवास है। बोले कौन सा स्त्रियों में कली का निवास है, बोले जो स्त्रियां बगल शादी के दूसरे पुरुषों को साथ में मिलते हैं, ये शास्त्र निंदा करता है, संसार करो शादी करके पति पत्नी मिल करके संसार करो, ऐसे बगल आके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाकर घूम रहे हो, नहीं आप बताया चीज है, संसार करो शादी शुदा कर पति को साथ में ही घर गृहस्थी करो, अवैध रूप में लड़के लड़कियों को साथ में, लड़कियां लड़कों को साथ में नहीं मिलनी चाहिए, इसको करने से पवित्रता नष्ट हो जाती। और जो चौथा नंबर है जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीव हिंसा में जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, प्याज लहसुन ये सब चीज को हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अगर केवल ये 4 नियमों को थोड़ा पालन कर लो, थोड़ी सी भगवान का नाम ले लो, बस बड़ा तुम्हारी पार हो जाएगी। एक बार हाथ उठाओ सब के सब, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे जोर कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। वैसे वृंदावन बिहारी बनाया कि नहीं बनाया, क्या कर रहे हो, बैठ गए फटाफट बनाओ बामन भगवान को।
अभी आज भगवान दो भगवान आएंगे, अभी बामन भगवान आएंगे, फिर कन्हैया फिर आएंगे भगवान। हाँ, सबके सब ध्यान देकर बैठना, और आज तक कृष्णा जन्म लेंगे और कल श्री राधा रानी जन्म लेंगी। हाँ वो भैया जी, हरे कृष्णा, इधर आओ। इसलिए कल श्री राधा रानी, कल श्री राधा रानी जन्म लेंगी, ठीक है। आज कौन सा रंग का साड़ी पहन करके आए हो? पीला। कल सबके सब गुलाबी रंग की साड़ी पहन करके आना, ठीक है ना। कल राधा रानी जन्म लेगी ना, क्योंकि राधा रानी का ऊपर का जो चुनरी है वो गुलाबी रंग की, बोले गुलाबी रंग की हूँ, बोले जो गुलाब रंग है कहती है अनुराग का रंग है। कहते ना आज बिरज में होली रे रसिया, ये गुलाल रंग ये अनुराग का रंग है। इसलिए राधा रानी कृष्ण की अनुराग में रंगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। अभी भगवान ये सृष्टि को रचना करना चाहते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की नाभि कमल से, नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुए। चारों तरफ में उन्होंने पानी पानी देखा। पहले उनका एक सर था, जब चारों तरफ में देखने की इच्छा हुई उनकी हो गया चार सर आ गया। अभी ब्रह्मा जी सर्वप्रथम अपना मन से ये चतुसर्ण को सृष्टि की। बोले जाओ ये संसार का क्रम को बढ़ाओ। चतुसर्ण ने कहा पिताजी हम ये संसार में फंसना नहीं चाहते हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की ललाट से श्री शंकर जी प्रकट हुए। बोले श्री शंकर भगवान की। शंकर जी को भी आदेश दिए, लेकिन शंकर जी जोगी जोगी महाजोगी है। बोले भैया हम भी ये घर गृहस्थी में फंसना नहीं चाहते, अगर मैं मना कर दूं ना फिर ब्रह्मा जी बिगड़ जाए। बोले ऐसे सृष्टि करो जैसे अपने आप ये पिताजी मना कर दे। फिर उन्होंने जितने भूत पिशाचों को सृष्टि करना शुरू कर दी। ब्रह्मा जी बोले क्या कर रहे हो, सृष्टि कर रहे हो ना, सृष्टि के ध्वंस कर, चुप बैठो है अब पास में है। हाँ, चुप बैठो। इतने में फिर आदेश देते हैं ब्रह्मा जी। फिर उन्होंने कर्दम ऋषि को सृष्टि की, उन्होंने परछाई से कर्दम ऋषि सृष्टि की, और उन्होंने 10 बच्चों को उन्होंने सृष्टि की। फिर उन्होंने अपना शरीर से मनु और सतरूपा को सृष्टि की। यही मनु सतरूपा से फिर ये संसार का सृष्टि प्रारंभ हुई। इसलिए मनु महाराज से हम हुए, इसलिए हमको मानव कहलाते हैं। मनु महाराज सर्वप्रथम उन्होंने 5 संतान को सृष्टि की है, 2 बेटे और 3 बेटी, 1 आकृति, देवूति और प्रसूति, और श्री उत्थानपाद और प्रियव्रत। और यहीं से धीरे 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 सृष्टि यहीं से प्रारंभ हुई। अभी हमारे प्रभु जी कृष्ण, हमारे प्रभु जी अभी की जो भगवत कथा हो रही है ये आप सबका मदद को लेकर हो रही है। ये भागवत कोई अकेले कोई नहीं कर रहे हैं, ये भागवत आप सबका सहयोग से ही भागवत कथा हो रही है। इसलिए अगली बार ये सोच रहे हैं जब ये भागवत कथा होगी आपका जो गांव का किसी एक बीच स्थान कथा करेंगे, जहां पर सब गांव के लोग आसानी से आप लोग वहां एकत्रित हो सकते हो। अगली बार से ये कोशिश करें गांव का बीच में ये कथाओं को करने के लिए, सारे गांव का लोग जैसे आ सके। इसलिए प्रभु जी अनाउंसमेंट करेंगे ये भागवत कथा में कुछ लोगों ने कुछ कुछ उसमें दान दिया है। देखो ये भागवत कथा में इतने पुण्य हैं, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं अगर ये भागवत कथा में 1 अन्न का दाना, केवल 1 अन्न का दाना अगर ये भागवत कथा में कोई दान देता है किसी जीवन में घर में उसकी अन्न और वस्त्र कभी अभाव नहीं हो, उसके घर में माँ अन्नपूर्णा लक्ष्मी भरपूर रहेगी और उसको बने देवता लोग भी प्रसन्न होकर उसका आशीर्वाद देते हैं। अगर भागवत कथा में केवल 1 अन्न अगर कोई दान दे दे इतना महिमा है। इसलिए कुछ कुछ जो भक्त लोगों ने ये भागवत कथा में कुछ ना कुछ दिए हैं। प्रभु जी, प्रभु जी मुझे लगता है अब तो कोई आने वाला था ना, कोई मंत्री वो आ रहे हैं। क्या नाम है जी? आ गए। क्या नाम? अपना बाद में बोलना, ठीक है।
बोल दो आ रहे क्या नाम हेलो बाद में ना बात आप पूछे जाने के बाद अब बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गरीब व्यक्ति है किसी लड़की की शादी नहीं हो पाती है ये तन मन और धन से हर तरह से शादी के लिए ये व्यवस्था करते हैं और बोल रहे थे यहाँ पर जो ट्यूबवेल लग रहा है ना यहाँ के भक्त लोग ने प्रार्थना की यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हुई यहाँ पर पानी की अभाव है उन्होंने बोले पानी की अभाव है कोई चिंता मत करो भागवत कथा से पहले में ये ट्यूबवेल लगवा दूंगा ट्यूबवेल को यहाँ पर लगा दिए हैं ये बड़े आदमी ये मिश्रा मिश्रा कौन ब्राह्मण है और इनके अंदर एक विशेष चीज देखा ये समूह से ब्राह्मण है लेकिन इनका चोरी हमने देखी देखो ये विधा है लेकिन इन्हें जो ब्राह्मण लोग अभी धीरे 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 ब्राह्मण लोग अपना धर्म से दूर हो रहा है लेकिन देखो विधायक होते हुए भी लेकिन उन्होंने अपना छुट्टी रखी अपना ब्राह्मण धर्म की मर्यादा को रखे इसलिए जब मुसलमान लोग हमारा देश में आए जानते हो सबसे पहले उन्होंने क्या की पहले ब्राह्मणों का चोटी हिंदुओं का चोटी को पहले कटवाया फिर इनका जन्हे को उन्हें उतरवाया ये हिंदुओं का पहचान है हमारी चोटी होनी चाहिए हमारी जन्हे होनी चाहिए माथा पर तिलक होनी चाहिए गले में तो उसकी माला होनी चाहिए ये हमारे हिंदू की पहचान है अभी लगता है हमारे सौभाग्य से हमारे मोदी जी आए और हमारे श्री योगी जी आए
मोदी और योगी समझो ये हिंदू धर्म के लिए इतने अच्छे आदमी आए। पिछले में कोई सुन रहा था बोल रहे थे कृष्ण जैसे भगवत गीता में कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब जब इसी जगत में विशेष करके जब हिंदुओं को ऊपर में गो ब्राह्मण वेद नारी स्त्रियों को ऊपर अत्याचार होती हैं तब तक मैं इसी जगत में अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ और मैं सनातन धर्म हिंदू धर्म को रक्षा करता हूँ। समझो ये जो मोदी आया ना आप लोग हम लोग बड़े सौभाग्यवान, अगर ये नहीं आता है ना ये दुनिया मुसलमान हो जाएगा और एक दिन हमको मार मार कर भगाएगी। मार मार करके आप टीवी देखो न्यूज को पढ़ो मुसलमान दूसरा कंट्री अगर उनको भगाओगे तो उनके लिए कोई जगह है जहां पर उनकी थोड़ी सी अधिक संख्या हो जाए 40% हो जाए किसी हिंदू को वहां टिक नहीं दे रहे। इतने अत्याचार कर हिंदुओं को निकाल देते हैं वो मुसलमान कहते हैं केवल 10-15 मिनट दे दो पुलिस को कल हटा दो तो वो जितने हिंदुओं को गला काट देंगे। वो दबा को साथ में कहते हैं केवल प्रोसेसन को आपका पुलिस को हटा 10-15 मिनट में देखो तुमको क्या करते हैं। इतने कड़ी वचन हिंदुओं के लिए शब्द प्रयोग करते हैं। इसे समझो हमारी परम भाग्य है हमारी भाग्य से श्री मोदी जी आए हैं हमारा भाग्य से श्री योगी जी आए हैं और उनकी अधीन में ही हमारे प्रभु जी मिश्रा जी ये ब्राह्मण हैं। ये इनको आप सपोर्ट करते रहना जब तक ये ब्राह्मण लोग जब तक हमारे हिंदू धर्म जगत में तब तक सनातन धर्म तब तक हम टिके पाएंगे नहीं तो हमको भगाए तो कहीं स्थान नहीं मिलेगा कहीं जाने की कहीं भी स्थान नहीं मिलेगी। आप पहले पहले अगर आप जानते हो सारे देश से आप अगर न्यूज अगर देखोगे पूर्व बंगाल से हिंदुओं को मार मार कर भगा रहे हैं वहां से पाकिस्तान से मार मार के हिंदुओं भगा रहे हैं। अगर आप लोग न्यूज पढ़ते होंगे आप देखे होंगे भाग भाग करके वो लोग दूसरा देश छोड़ के फिर अपना देश में वो आ रहे हैं अपना देश में आ रहे हैं वो लोग कहीं स्थान नहीं है। इसलिए हम लोग हिंदू है कोशिश करनी चाहिए जैसे हम अपना हिंदू धर्म को जैसे हम रक्षा कर पाए हैं। ये लोग बहुत मिश्रा ये ब्राह्मण आदमी है मिश्रा ब्राह्मण होते हैं इनकी चोटी है। आप लोग सबके सब इनको कोशिश करना इनको हर समय में मदद करने के लिए और ये दुखी दरिद्र को ऊपर में हम प्रार्थना करते हैं ये अपना दुखी दरिद्र को ऊपर में जितने हाँ कहीं पर जरूरत है जैसे ये सबको मदद करते रहे हर तरह से और ये फलते इनका नाम ही विजय है और विजय तो हो ही नहीं इसलिए इनका नाम है श्री विजय मिश्रा है इसलिए इनका विजय होगी। इसलिए आप लोग भी कोशिश करना हर समय इनको विजय जैसे होते रहे और हमारे हिंदू जैसे राज्य जैसे हमारे हिंदू राज्य बने रहे तब तक समझो आप लोग बच्चे रहोगे जिंदा रहोगे नहीं तो आपको कहीं स्थान नहीं मिलेगी कहीं जाने की स्थान नहीं मिलेगी। इसलिए आप हर तरह से इनको हर समय इनको विजय वोट देते रहना। ऐसे व्यक्ति अगर हमारे मोदी के पक्ष में योगी के पक्ष में अगर ऐसे व्यक्ति हो ना योगी वो भी साधु हुए और योगी मोदी दोनों ही साधु हुए ये दोनों ही साधु हुए इसलिए वो मोदी के लिए कहते हैं ये मोदी कौन है कहते मोदी नहीं ये भगवान के एक अवतार है। जैसे भगवान खुद कहते हैं जब जब ये पृथ्वी के ऊपर में कोई अत्याचार होता है मैं उसी समय आ करके जगत को धर्म को रक्षा करता हूँ। एक तरह का जो मोदी है समझो ये भगवान की 6 तरह का अवतार भगवान की बताए एक सत्यावेश अवतार एक आवेश अवतार एक गुणावतार एक मनोतर अवतार अवतार 6 तरह के बताए। एक अवतार है सत्यावेश। सत्यावेश का मतलब होता है कभी कभी भगवान किसी जीव को द्वारा शक्ति दे करके क्या करते हैं ये धर्म को रक्षा करते हैं उसमें एक सत्यावेश अवतार। ये जो व्यास देव कौन है कहते ये सत्यावेश अवतार श्री व्यास देव है जिन्होंने ये भागवत रचना की है। इसलिए समझो हमारे हिंदुओं के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे विजय मिश्रा के लिए हम ठाकुर जी से भागवत से
प्रार्थना करेंगे ये ऐसे फलते फूलते रहे और हर समय विजय विजय रहे। अगर इनके लिए जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। इधर इधर आ जाओ विजय प्रभु जी, आप इधर आ। और कोई आपके साथ में है कोई? और कोई इनके साथ में? इनके बुला दें अब अच्छे तरह सब अपना प्रजाओं को अच्छे तरह से देखो ठाकुर के आशीर्वाद से। अब संस्कारी आदमी ब्राह्मण आदमी हो आप, भले से वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राम भले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हाँ। देखो ये मनु महाराज से ये सृष्टि की प्रारंभ हुई, इसलिए हमको क्या कहते हैं, हमको कहते हैं मानव। लेकिन हमारी तथाकथित जो साइंस, जो एक डार्विन हुए हैं कि साइंटिस्ट, लेकिन वो कहता है हम बंदर से हुए हैं। पहले हमारे पूर्वज बंदर थे और ये बंदर का पूछ कटते 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 जब समाप्त हो गया फिर बंदर ही इंसान हो गया। लेकिन हमारे शास्त्र ये नहीं कहता है, हमारे शास्त्र नहीं कहते हमारे पूर्वज बंदर थे। हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज भगवान राम थे और हमारे पूर्वज भगवान कृष्ण थे। ये बंदर नहीं थे हैं, ये बंदर नहीं थे। आप किसी भी शास्त्र ग्रंथ को उठा कर देखो, आप भगवद गीता हमारी हिंदू का मूल ग्रंथ है। देखो कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, ममी मांस जीव लोके जीव भूत सनातन। गीता कहता है कृष्ण कहती है जीव कौन है, बोले मेरे औलाद है। कृष्ण खुद कहते हैं ये जितने जीव है ममई बांस ये सब के सब मेरे जीव है, संतान है। आप उठा करके देखो बाइबल, देखो बाइबल में कहते हैं गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, ये बाइबल का बात है। मतलब भगवान ने अपना जैसे जीवों को बनाया, ये बाइबल कहता है। आप कुरान उठा करके देखो मुसलमान का ग्रंथ, वहां पर भी यही लिखा हुआ अल्लाह ने इंसान को अपना जैसे सूरत दिया, ये लिखा हुआ कुरान में अल्लाह ने अपना जैसे इंसान को सूरत दिया है। इसलिए ये सारे ग्रंथ में कहते हैं हम बंदर से नहीं हुए, हम किससे हुए हैं, भगवान से हुए हैं। अभी प्रश्न है पर ये डार्विन ने इस बात क्यों बताया, ये डार्विन मरने से पहले बोल कर गया, कहते मेरे को सरकार ने ये बताया था लोगों को नास्तिक बनाने के लिए, तुम ये प्रूव करके दिखा दो ये बंदर से जीव हुए हैं, फिर लोगों को नास्तिक हो जाएगी हैं। एक बंदर ले आओ और एक भगवान राम और कृष्ण का छवि देखो कहीं, अब बंदर को साथ में तुम्हारी चेहरा मिलाओ मिलेगा ना, भगवान कृष्ण राम को साथ में चेहरा देखो, राम की जैसे नाक हमारे नाक ऐसे, राम भगवान की दो कान हमारे भी दो कान ऐसे, भगवान की दो हाथ हमारे भी दो हाथ, भगवान के छाती पैर, भगवान राम से मिलेंगे ना बंदर से हमारा चेहरा मिलेगा, बंदर से मिलेगा चेहरा हमारी नहीं मिलेगी। इसलिए डार्विन ये खुद बोल कर गया, उसने मरने से पहले बोला गवर्नमेंट ने मेरे को बोला था तुम ये चीज को प्रूव करके क्या बोले दिखा दो। उसने क्या किया, एक गरिला का खोपड़ी ले लिया और एक बंदर का खोपड़ी ले लिया
दोनों खोपड़ी को मिला करके दिखा दिया, देखो हम कैसे बंदर थे और धीरे धीरे इंसान हुआ, लोगों को बेकूफ बनाकर चला गया है, बेकूफ बनाकर चला गया। इसलिए हम कोई बंदर से नहीं हुए, हम किससे हुए, हम भगवान राम से और भगवान कृष्ण से हुए। और देखो ब्रह्मा जी उन्होंने 10 पुत्र को सृष्टि की, अत्रि वशिष्ठ पराशर। आपका गोत्र क्या है, बोलो क्या है आपका गोत्र क्या है, गौतम। आपका गोत्र क्या है, क्या गोत्र बताओ, पता नहीं है। अब देखना हमारे हिंदुओं को किसी को भी पूछो सभी का एक एक गोत्र है। ये गोत्र आया कहाँ से, ये गोत्र कहाँ से आई, भागवत में बताया है, भागवत में बताया। ब्रह्मा जी जब 10 पुत्रों को सृष्टि की, जिस ऋषियों से हम आए हैं, जिस ऋषियों से हम आए हैं हमारी गोत्र वो कहता है, वो कब से, बोलिए सत्य युग से। ये डार्विन कब आया है, है? इसलिए कहते जो बंदर से जो बीच में जो पूछ कटते कटते इंसान हो गया, मतलब बीच का भाग कहाँ गया। फिर अभी भी कितने सारे बंदर है, कोई बंदर कोई इंसान अभी बन रहा है, अभी कोई बंदर कोई इंसान बन रहा है। इसलिए बंदर से कभी इंसान नहीं बन सकता है, हम सबके सब भगवान की औलाद है, हम ठाकुर जी की संतान है। इसलिए कृष्ण गीता में यही चीज को बताते हैं, इसलिए हमें नास्तिक नहीं बननी चाहिए, हमें आस्तिक बननी चाहिए। देखो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आप ये कहानी को याद करना रखना। एक समय कोई कोई भगवान को नहीं मानते हैं ना, मतलब भगवान भगवान नहीं मानते हैं। एक समय अकबर ने उसका मंत्री बीरबल को से 2 प्रश्न किया है। उसका पहला प्रश्न था, भगवान है तो कहाँ है, अगर भगवान है तो क्या कर रहा है। बोले ये 2 दिन में इसका आंसर चाहिए, अगर इसका तुम आंसर नहीं दे पाया ना तेरी नौकरी जाएगी। अभी बीरबल तो बड़ा चिंता में पड़ गया, भगवान है तो कहाँ, भैया मेरे को क्या पता भगवान है तो कहाँ, फिर कर रहे हैं क्या, हमें क्या पता भगवान क्या कर रहे हैं। वो घर में आकर के इतने गुमसुम हो गया, सबसे बात करना छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। उसका एक बेटा था, छोटा बेटा, बोले पिताजी क्या बात है, आप घर में आकर खाना पीना छोड़ दिए हो, चुपचाप हो गए, क्या बात है। बोले बेटा तू नहीं समझोगे। बोले पिताजी एक बार बताओ ना बात क्या है। बोले बेटा अकबर ने हमें ये 2 प्रश्न किया है, भगवान है तो कहाँ है, अगर है तो क्या कर रहे हैं। भैया हमें क्या पता भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान कहाँ, अगर इसका आंसर 2 दिन में नहीं दे पाऊंगा तो मेरी नौकरी जाएगी। बोले पिताजी इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप इतना चिंता में पड़ेंगे, कोई चिंता मत करो, खूब खाओ पियो मस्त रहो। अगर राजा पूछे ना अब ये बताना ये कौन सा बड़ी भारी प्रश्न है, मेरा छोटा बेटा ही इसका आंसर दे सकता है। बोले तू दे दोगे। बोले पिताजी ये कोई प्रश्न है, खाओ पियो मस्त रहो। अभी 2 दिन बाद में गया, अकबर ने प्रश्न किया, बोले बीरबल तुमने आंसर लेकर के आए हो। बोले महाराज जी ये कौन सा बड़ी भारी प्रश्न, मेरा छोटा बेटा भी दे सकता है। बेटे को पूछा बता भगवान है तो कहाँ है। बोले आप 10 किलो दूध मंगवाओ। उनने 10 किलो दूध मंगवाए। बोले आप बताओ इसमें घी है। बोले है। बोले मेरे को दिखाओ, दिखाओ इसमें घी का। बोले ऐसे घी दिखेगी थोड़ी, पहले उसको गर्म करो, फिर जमाओ, फिर मंथन करो, मक्खन निकलेगा, मक्खन को फिर गर्म करो तो फिर घी होगा, फिर जाकर घी होगा। बोले महाराज ये दूध में घी है लेकिन उसी के लिए प्रोसेस बताया गया, अब ऐसे करोगे तो फिर घी निकलेगा। आप बता रहे हो भगवान ने कहाँ, दिखाओ ये लड्डू कोई बना कर खा लिए, खा लो। जिस भगवान को पाने के लिए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यामे। बोले वायु रथापि मनसा मन पुंगवा नाम ब्रह्मा शंकर। जैसे व्यक्ति जिनको पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, बोले यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति। बोले ब्रह्मा भी कठोर तपस्या करके भगवान की बात छोड़ दो, उनकी चरण की नख के छटा को दर्शन नहीं कर पाते। और जो जीव भगवान को एक बार दर्शन करने पर जीव ये भव बंधन से मुक्त होकर के भगवत धाम को गमन करता है। आप कह रहे हो भगवान एका दिखा दो, लड्डू बनाया खा लिया,
महाराज जी इसके लिए तपस्या करना पड़ेगा। साधारण दूध में घी है, इसका प्रोसेस बताया। आप बता रहे भगवान का। राजा तो सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा, बहुत बढ़िया आंसर दिया। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न की, बोले भगवान है तो क्या कर रहे हैं बताओ। बोले भैया प्रश्न कौन कर रहा है। बोले मैं कर रहा हूं। बोले आंसर कौन देगा। बोले तू। बोले महाराज जी जो प्रश्न करते है ना वो होता है छात्र, और जो उत्तर देता है वो होता है टीचर। लेकिन टीचर और छात्र कहाँ बैठते हैं। बोले टीचर बैठता है ऊपर में, छात्र बैठता है नीचे। आप अभी छात्र हो लेकिन आप तो सिंहासन में बैठे हुए। मैं अभी टीचर हूँ, आंसर दूंगा, और मैं नीचे बैठा हूँ। कृष्ण गीता में कहते हैं अगर तुम आध्यात्मिक क्वेश्चन करते हो, आध्यात्मिक प्रश्न करते हो, कृष्ण कहते तीन प्रोसेस भगवान बताए। बोले तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कृष्ण कह रहे हैं पहले जाकर गुरु जी के चरण में प्रणाम करो, फिर उनकी सेवा करो, हैं? प्रणाम करो, सेवा करो, फिर तीसरा जाकर के प्रश्न करो। क्यों? ये ब्रह्म संबंधी प्रश्न, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं। इसलिए अगर आप उत्तर सुनना चाहते हो पहले सिंहासन से नीचे उतरो और मेरे को सिंहासन के ऊपर बैठाओ और हाथ जोड़ करके पूछो। राजा अकबर तो फंस गया, ये छोटा बच्चा क्या कहता है, हा? उसको सिंहासन से उतरना पड़ा और ये बच्चे को सिंहासन में बैठाया। बोले अभी हाथ जोड़ करके प्रश्न करो। अकबर ने हाथ जोड़ करके प्रश्न की। जब प्रश्न की बोले बताओ भगवान क्या कर रहे हैं। बोले भगवान तो यही कर रहे हैं, भगवान तो यही कर रहे हैं। बोले भगवान क्या कर रहे हैं। बोले देखो थोड़ी देर पहले आप कौन थे, आप राजा थे लेकिन राजा को भगवान नीचे उतार दिया। थोड़ी देर पहले मैं था प्रजा, मेरे को क्या कर दिया भगवान, मेरे को सिंहासन में बैठा दिया। भगवान एक मिनट में, सेकंड में रंक को राजा बना सकता है और राजा को रंक बना सकता है भगवान। राजा इतना खुश हो गया, बोले बारिश। उन्होंने क्या जवाब उसने दिया है, हाँ, क्या जवाब दिया है। राजा खुश हो गया उसके ऊपर में। इसलिए आपको अगर कोई प्रश्न करे भगवान है कहाँ दिखाओ, और एक कथा सुन लो, इस कथा को याद करना, क्योंकि हम लोग हिंदू लोग हैं, कुछ कुछ धर्म लोग नास्तिक ही होते हैं, भगवान भगवान कुछ नहीं मानते हैं। इसलिए आपके लिए मैं सुनाता हूँ। देखो आप सुने होंगे न्यूटन, नाम सुने न्यूटन का, सुने हो न्यूटन, कहते ये पृथ्वी में सबसे बड़ा ये साइंटिस्ट है, इसलिए इनको न्यूटन सर कहते हैं, क्योंकि इनके जैसे बड़े कोई साइंटिस्ट हुए ही नहीं। लेकिन ये जब रिसर्च करता था उसको ऐसे लगता था भैया ये दुनिया में कोई एक व्यक्ति है, अगर नहीं होना ये दुनिया कभी बन ही नहीं सकता, दुनिया कभी चल ही नहीं सकता है। देखना भले ही हमें उठने में 10 मिनट ही देर हो जाए, लेकिन सूर्य को उदय होने में कोई 10 मिनट देर करता है, ये चंद्र उदय होने में कोई 10 मिनट लेट करता है, लेट नहीं करता है। एक घर को चलाने के लिए हम 10-5 व्यक्ति कितना काम करते हैं, कोई मार्केटिंग करते हैं, कोई रोसोई करते हैं, कोई झाड़ू देते हैं, तभी जाकर किसी तरह से संसार चलता है। और ये दुनिया क्या ऐसे ऐसे चल रहा है, जरूर ये दुनिया को पीछे कोई एक है। ये न्यूटन को ये अनुभूति होता था, लेकिन जितने उसके दोस्त थे ना वो भी साइंटिस्ट माइक वाले तो तेज कर सकते हो, बल जरूर इसका पीछे कोई व्यक्ति एक है जो कि ये दुनिया को चलाता है। लेकिन उसका जो दोस्त था एक, बोले नहीं ये तो अपनी आप प्रकृति से अपनी आप हो रहा है, दुनिया में कोई नहीं कुछ है, इसलिए भगवान भगवान कुछ नहीं, वो अपनी आप सब हो रहा है। एक दिन न्यूटन ने उसको सारे दोस्त को उन्होंने बुलाया, और जितने सारे दोस्त साइंटिस्ट है, उसने एक सोलर सिस्टम बनाया, मतलब ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, कौन सा ग्रह कहाँ पर किस रूप में काम कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना, बड़ा सुंदर सोलर सिस्टम उसने एक टेबल के ऊपर में बड़ा सुंदर बनाया। अभी जितने सारे दोस्त लोग आए आकर के घर घर के सब देख रहे थे, और इतने बढ़िया उसने बनाया था, अद्भुत, वो बड़ा साइंटिस्ट था ना, कौन ग्रह कहाँ किस किस रूप में काम कर रहा है। जो दोस्त भगवान को नहीं मानते थे और न्यूटन को पूछा भैया बताओ इसको बनाया किसी ने,
न्यूटन ने कहा इसको किसने नहीं बनाया, वो अपने आप बन गई। बोल क्या पागल हो गया, ये अपने आप ये बन सकता है कहीं, ये कहीं अपने आप बन सकता है, जरूर तो इसको कुछ ने बनाया होगा। न्यूटन ने कहा मैं तेरे को केवल इतनी सी बात समझाना चाह रहा था, केवल इतनी सी बात तेरे को समझाना चाह रहा था, ये टेबल के ऊपर में ये छोटी सी एक सोलर सिस्टम है बिना बनाए नहीं बन सकती है, और ये विश्व ब्रह्मांड जो चल रहा है, हैं, जो विश्व ब्रह्मांड जो चल रहा है, सारे ग्रह नक्षत्र अपने आप काम कर रहे हैं, सारे सीजन बसंत ग्रीष्म शरद सारे एक एक सीजन के बाद में एक एक सीजन अलग अलग समय पर अलग अलग फूल फल हाँ गेहूं ये सब सारा दुनिया ऐसे नहीं चल रहा है, जरूर इसको पीछे भी कोई एक व्यक्ति है, तभी ये दुनिया को वो चल रहा है। उसको पीछे कौन है, भागवत में ये भगवान कपिल देव अपना माँ को कह रहे हैं, तभी भागवत का श्लोक है, बोले मत भयात बातिवा त्वयम सूर्यस तपति मत भयात बरसति इंद्र दहति अग्नि मृत्युश्चरति मत भयात। ये भगवान कह रहे हैं, बोले माँ ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है, हम कहते हैं ना ठाकुर जी की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, हम कहते हैं ना ठाकुर की इच्छा, अगर कुछ भगवान खुद कहते हैं, बोले मत भयात बातिवा त्वयम, ये जो वायु बह रही है मेरे आदेश पर, मेरे भय से ये काम कर रहे हैं, बोले इंद्र जो बारिश करता है, भगवान कहते मेरे आदेश पर इंद्र बारिश कर रहा है, बोले अग्नि में जो दाही का शक्ति, बोले मेरे डर से ये काम कर रहा है, बोले माँ ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है माँ मेरे आदेश पर, जैसे मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर है, जैसे वो अलग अलग एक एक मंत्री को उन्होंने आदेश दिया, कोई जल मंत्री, कोई वायु मंत्री, कोई ट्रेन मंत्री, अलग अलग आदेश दिया है, उसी तरह भगवान कहते हैं मैंने भी ये 33 करोड़ देवताओं को एक एक काम में मैंने इनको नियुक्त किया, मेरी इच्छा के बगैर मैया एक पत्ता भी नहीं हिलता है, इसलिए हमें नास्तिक नहीं होनी चाहिए, हमें आस्तिक होनी चाहिए, हमारा जो गीता भागवत वेद पुराण उपनिषद, इसलिए हमें इस सब ग्रंथों को पढ़नी चाहिए, अपना हिंदू धर्म को सनातन धर्म को हमें धीरे धीरे जगानी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आप लोग भी घर में गीता भागवत रामायण पढ़ो, और बच्चों के ऊपर में अच्छे संस्कार डालो, बच्चे जैसे संस्कार बने, पिता माताओं की गुरुजनों की सेवा करें बच्चे, कब करेंगे जब इनको ऊपर में अच्छी संस्कार हम डालेंगे, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। अभी भगवान हाँ प्रभु जी अगर आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हो, अभी तो हमारी कथा बड़े समय तक चलेगी कथा, हाँ इसलिए अगर जाना तो अब अभी आप जा सकते हो, कोई ये नहीं, प्रभु जी आप आ गए, कृपा करके आ गए हो, यहाँ पर भक्त लोग को दर्शन दे दिया आपने, बहुत अच्छी काम किए हैं, अभी तो हमारी कथा बहुत समय तक चलेगी, हाँ देखो जाओ भगवान वामन देव को ले आओ, देखो बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय Yeah.
हमारी लाल की सबके सब बैठे अभी अभी भगवान अभी दो भगवान आने वाले हैं हम जल्दी जल्दी कथा को विश्राम दे देंगे ठीक है ना सबके सब चुपचाप बैठ जाओ अभी भगवान बामन देव आएंगे बामन देव को बनाया कि नहीं हरि बोल बामन देव बन गए कि नहीं बने बामन देव बनाया तो उसको ले आओ इधर अभी ये देवता दैत्य में जब लड़ाई होती है जब देवता लोग मरे तो मरे दैत्य लोग मरे तो इनका गुरु जी शुक्राचार्य उनको पुनर्जन्म दे दे एक बार देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की ठाकुर जी हम अमर कैसे बनेंगे बोले ये समुद्र मंथन करो समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा ये अमृत पियोगे तो अमर बन जाओगे अमृत समुद्र मंथन हुई समुद्र मंथन सबसे पहले वहां पर हलाहल बीस निकला सबके सब श्री भोले बाबा को प्रार्थना की शंकर जी टन के टन उन्होंने हलाहल बीस को पान कर ली और उन्होंने जहर को गले पर रख लिए इसलिए उनका नाम हो गया नीलकंठ बोले श्री नीलकंठ महादेव की बच्चे लोग चुपचाप बैठो सामने बैठे चुपचाप बैठो बात मत करो जो बात करेगा मैं उसको खड़े कर दूंगा एकदम चुपचाप बैठो हरे कृष्णा फिर समुद्र मंथन हुई फिर माँ लक्ष्मी निकली अभी लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए सारा दुनिया को लक्ष्मी चाहिए लक्ष्मी बोली ऐसे नहीं सब लाइन होकर खड़े हो जाओ मैं अपना मनमर्जी पति को मैं चुनूंगी माला लेकर को सबको पास में गई लेकिन सबको अंदर में कुछ ना कुछ कमी मिली लेकिन जब नारायण को पास में पहुंचे बोले अगर कोई सर्व गुण में गुणी कोई तसी बहु नारायण है फिर उन्होंने श्री नारायण की गला में माला डाल दी बोले श्री लक्ष्मी नारायण की फिर मंथन हुई मंथन से धन्वंतरी ने अमृत कलश लेकर के निकला और अमृत के लिए तो सबके सब मंथन कर रहे थे इतने में दैत्यों ने जोर जबरदस्त छीन ली ठाकुर ने देखा अगर दैत्य लोग अमृत पियेंगे तो अमर बन जाएंगे फिर भगवान ने मोहिनी अवतार ली बोले दोनों लाइन करके बैठ जाओ मैं दोनों को बीच में बंटवारा कर दूंगी पहले देवताओं को तो पहले पानी पानी ऊपर ऊपर का पिला देती हूँ फिर जो गड़ा गड़ा रह जाएगा ना हम एकांत में बैठ करके फिर दोनों पान करेंगे बोले देखो भले ही हमें अमृत नहीं मिला अगर तू मिल गया ना मेरे को सब कुछ मिल जाएगा इतने में भगवान अमृत पिलाते पिलाते सारे देवता को मिला दिया इतने में एक दैत्य था स्वर्भानु वो चंद्र सूर्य के बीच में बैठ करके पी लिया चंद्र सूर्य इशारा किया था ठाकुर जी चक्र को भेजे और उसकी गला काट दिए एक राहु और एक केतु बन करके ये चंद्र सूर्य को भर में कभी कभी ये उनको आक्रमण करते हैं फिर भगवान जब अमृत बांध करके चले गए देवताओं को देवता लोग अमृत पी लिए अमर बन गए फिर दैत्यों को मारना शुरू किया ऐसे काटना जैसे केले का पेड़ को काटते हैं इतने में ब्रह्मा जी आकर के मना की फिर शुक्राचार्य फिर जिंदा कर दिया चेलों को राजा उनका जो बलि एक यज्ञ किया यज्ञ से एक रथ निकला वो रथ के ऊपर जो बैठ करके युद्ध करेगा कोई उसको परास्त नहीं कर सकते हैं फिर उन्होंने चढ़ाव किया देव देवलोक में सबको मार मार कर भगा दी अभी देवताओं को मां अदिति ने कश्यप जी को प्रार्थना की कश्यप ऋषि ने उन्होंने क्या की उन्होंने कश्यप ऋषि ने बोले एक पय व्रत कर और पय व्रत में भगवान वामन अवतीर्ण होकर के फिर तुम्हारे राज्यों को वापस देंगे अभी भगवान श्री वामन देव अवतीर्ण होंगे बोले श्री वामन भगवान देखो अगर वामन भगवान बन गए ना उनको लेकर के आ जाओ हरे कृष्णा वामन देव को बनाया कि नहीं हरे कृष्णा अरे बामन देव को देख जाओ देख करके आओ जाओ हरे कृष्ण सबके से बैठ जाओ भगवान बामन अरे भगवान कृष्ण आएंगे बोलो बोलो राम बिहारी राम